Hello friends, let me give you a very brief introduction about myself. Myself, CA Yachana Mutha Bhurat, a chartered accountant by profession and a teacher by passion. Friends, I have done diploma in information system audit with All India second rank. I'm associated with various renowned training institutes in Mumbai for training GST to chartered accountants, professionals, job seekers and CA students. Friends, यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं CA फाइनल का GST का रिवीजन. आई रिपीट, CA फाइनल का GST का रिवीजन. फ्रेंड्स, आपका फर्स्ट टारगेट होता है एग्जाम पास करना, बट सेकंड टारगेट होता है एग्जेम्पशन लेके आना, और इनडायरेक्ट टैक्स पेपर में आपको एग्जेम्पशन लेके ही आना है. एंड बिलीव मी, दैट इज नॉट टफ एट ऑल. आपका कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका नॉलेज रिफ्लेक्ट होना चाहिए, आपने प्रॉपरली प्रोविजंस कोट करे होना चाहिए, एंड आपका पेपर में वो स्पार्क होना चाहिए कि एग्जामिनर भाई कंपेल हो जाए आपको 60 प्लस देने के लिए. मैंने इस वीडियो में बहुत सारी मेमोरी टेक्निक्स आपके साथ डिस्कस करी है. हम सारे रिविजन यहाँ पे करेंगे जीएसटी का. बहुत लिमिटेड टाइम में हम पूरे जीएसटी का रिविजन करने वाले हैं. मैंने बहुत सारी मेमोरी टेक्निक्स डेवलप करी है, जिस मेमोरी टेक्निक्स के हेल्प से आप बहुत इजीली पूरा जीएसटी बहुत कम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं. तो इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, तो इन वीडियो में मैंने शॉर्ट 30-40 मिनट्स के सारे वीडियोस बनाए हैं, और ये सारे टॉपिक्स आप पार्ट वन पार्ट टू करके चेक कर सकते हैं. तो ये वीडियो आपको, ये टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, जीएसटी इन इंडिया, देन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स क्या हुए जीएसटी के कारण, वो हम कवर करेंगे. देन टॉपिक सप्लाई, टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी, लेवी सेक्शन 9 हम कवर करने वाले हैं, कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई का कंसेप्ट, देन कंपोजिशन स्कीम विथ ऑल अमेंडमेंट्स, जो भी सारे अमेंडमेंट्स हुए वो, प्लेस ऑफ सप्लाई. आपको पता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई कितना टफ रहता है याद करने के लिए, इसलिए मैंने इतनी बढ़िया मेमोरी टेक्निक्स डेवलप की है कि आप बहुत लिमिटेड टाइम में पूरा प्लेस ऑफ सप्लाई रिवाइज कर सकते हैं. देन वैल्यू ऑफ सप्लाई विथ वैल्यूएशन रूल्स, टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स सर्विसेज, इनपुट टैक्स क्रेडिट, रजिस्ट्रेशन टैक्स इनवॉइस एंड पेमेंट ऑफ टैक्स, ये सारे टॉपिक्स बहुत ही लिमिटेड टाइम में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. नवंबर 18 एग्जाम के हिसाब से ये सब कुछ रिलेवेंट है. तो आपको आपके पेपर का स्ट्रक्चर तो पता ही होगा, जीएसटी 75 मार्क्स का आता है, कस्टम 20 मार्क्स का, एंड एफटीपी इज ऑफ 5 मार्क्स. तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम हमारा फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो बेसिक्स और जीएसटी इन इंडिया में है. ठीक है, तो भाई सबसे पहले आप मुझे बताइए, हम 5 to 10 मिनट्स ही लेंगे बेसिक्स पे, तो आप सबसे पहले मुझे बताइए कि भाई जीएसटी आया क्यों, क्या प्रॉब्लम थी, कुछ प्रॉब्लम थी पुराने इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर में. यस, मल्टीपल टैक्सेस, बहुत सारे टैक्सेस होते थे पहले, वैट, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, लॉटरी टैक्स एंड सो ऑन, बहुत सारे टैक्सेस होते, देयर वर मल्टीपल टैक्सेस, जिसके कारण ना कि ओनली फॉरेन इन्वेस्टर्स को बट इंडियन पीपल को भी बहुत मुश्किल हो रहा था बिजनेस करना. सो देयर वर मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस. देन नॉन अवेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, इतने सारे टैक्सेस थे, हम पे करते थे टैक्सेस बट हमें क्रेडिट नहीं मिलता था. क्यों? बिकॉज एक का क्रेडिट दूसरे में अवेलेबल नहीं है, स्पेशली जब सेंटर और स्टेट की अलग अलग लेवी होती थी, जैसे कि एक्साइज और सर्विस टैक्स का क्रेडिट वैट और सीएसटी के अगेंस्ट अवेलेबल नहीं था, वैट और सीएसटी का क्रेडिट एक्साइज और सर्विस टैक्स के लिए अवेलेबल नहीं था, सीएसटी का क्रेडिट वैट के अगेंस्ट अवेलेबल नहीं था, तो अदर स्टेट का वैट का क्रेडिट इस स्टेट के वैट में क्रेडिट में अवेलेबल नहीं था, तो एक स्टेट का वैट दूसरे स्टेट की लायबिलिटी पे करने के लिए अवेलेबल नहीं है, ऑक्ट्राई का क्रेडिट एक्साइज की लायबिलिटी डिस्चार्ज करने के लिए अवेलेबल नहीं है. तो इतने सारे टैक्सेस हम पे तो करते थे पर क्योंकि क्रेडिट, क्रॉस क्रेडिट्स अवेलेबल नहीं है स्पेशली सेंट्रल और स्टेट के बीच में, तो हमारा वो वेस्ट हो जाता था, अल्टीमेटली वो हमारे लिए बर्डन होता था. तो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द क्रॉस क्रेडिट वॉज अ मेजर प्रॉब्लम अंडर अर्लियर इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर. देन देर वॉज कास्केडिंग इफेक्ट ऑल्सो, भाई टैक्स पे टैक्स लग रहा था, वैट लगता था इंक्लूसिव ऑफ एक्साइज ड्यूटी की वैल्यू पे, उसके बाद डबल टैक्सेशन भी हो रहा था क्योंकि देर वर इंटरप्रिटेशनल इश्यूज अमंग वेरियस लेवीज, जैसे कि रेस्टोरेंट सर्विस को गुड्स भी बोला गया और सर्विस भी बोला गया, वैट भी लगा सर्विस टैक्स भी लगा, दो दो टैक्सेस लग जाते थे, तो देर वर डबल टैक्सेशन. एंड देन आप सोचिए, इतने सारे 29 स्टेट्स के 29 वैट लॉज,
29 registrations, 29 returns, इतने सारे इंसान बिजनेस करे, कंप्लायंसेस करे, तो देयर वर मल्टीपल कंप्लायंसेस. इसलिए बहुत ज़रूरी था ऐसा कोई लॉ आना जो कि कंटिन्यूस फ्लो ऑफ क्रेडिट दे. हम समझेंगे कि हमारे प्रीवियस टैक्सेस कौन से इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्स्यूम हुए जीएसटी में. ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है 2-3 मार्क्स के लिए कि भाई व्हाट आर द प्रीवियस टैक्सेस दैट आर सब्स्यूम्ड अंडर जीएसटी. तो सेंट्रल लेवल पे जो फ्रेंड्स टैक्सेस लगते थे, सेंट्रल एक्साइज, सर्विस टैक्स, एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज, एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम एंड सरचार्ज एंड सेस, ये सेंट्रल लेवल के टैक्सेस थे. और स्टेट लेवल पे जो फ्रेंड्स टैक्सेस होते थे वो थे वैट एंड सेल्स टैक्स, एंट्री टैक्स, टैक्सेस ऑन लॉटरी, सरचार्ज एंड सेस, परचेस टैक्स एंड सो ऑन. इतने सारे टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी, क्योंकि हमारे कंट्री का फेडरल स्ट्रक्चर ही ऐसा है फ्रेंड्स कि दोनों गवर्नमेंट को टैक्स लगाना पड़ता है, क्योंकि दोनों को रेवेन्यू चाहिए ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर सके. और रेवेन्यू आता कहाँ से? टैक्स से. तो दोनों गवर्नमेंट ने, जब जीएसटी आया तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने इतने टैक्सेस सब्स्यूम किए, मतलब जीएसटी में मर्ज किए, और स्टेट गवर्नमेंट ने इतने टैक्सेस सब्स्यूम किए, मतलब जीएसटी में मर्ज किए, और एक टैक्स आया जो कि गुड्स पे भी लगता था और सर्विस पे भी, और जिसे बोलते थे जीएसटी, जिसे बोलते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स. फ्रेंड्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो हमारे यहाँ पे आया वो आया ड्यूअल मॉडल पे. ड्यूअल मॉडल मतलब हमारे यहाँ पे आया है ड्यूअल मॉडल जीएसटी, ये आपको बिल्कुल याद रखना है. ड्यूअल मॉडल मतलब सेंटर ऑल्सो हैज द पावर टू लेवी टैक्स, स्टेट ऑल्सो हैज द पावर टू लेवी टैक्स. दोनों गवर्नमेंट को टैक्स लगाने का पावर होना चाहिए, क्योंकि दोनों को रेवेन्यू चाहिए टू मीट देयर ऑब्लिगेशन, और दोनों ने अपने टैक्सेस सब्स्यूम करे हैं. तो हमारे यहाँ जो जीएसटी के एक्ट्स आए फ्रेंड्स, वो 5 एक्ट्स आए. फर्स्ट, सीजीएसटी एक्ट विच इज लेवीड एंड कलेक्टेड बाय सेंटर, एसजीएसटी एक्ट विच इज लेवीड एंड कलेक्टेड बाय स्टेट. तो इंट्रा स्टेट, विद इन स्टेट सप्लाई हो रहा है. मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ, डिटेल में हम बाद में देखेंगे इंट्रा स्टेट इंटर स्टेट क्या होता है, बट महाराष्ट्र टू महाराष्ट्र सप्लाई हो रहा है, विद इन स्टेट हो रहा है, तो टैक्स कौन सा लगता है? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी. फिर एक आया यूटीजीएसटी एक्ट, विद इन यूनियन टेरिटरी सप्लाई हो रहा है, तो टैक्स कौन सा लगता है? यूटीजीएसटी प्लस सीजीएसटी. सिर्फ 2 यूनियन टेरिटरी है, पौंडीचेरी और दिल्ली, उनके पास उनका खुद का स्टेट लेजिस्लेचर है. फ्रेंड्स, आई रिपीट, उनके पास उनका खुद का स्टेट लेजिस्लेचर है, इसीलिए वहां पे एसजीएसटी लगता है. बाकी की 5 यूनियन टेरिटरीज में यूटीजीएसटी प्लस सीजीएसटी लगता है. देन आईजीएसटी इन केस ऑफ इंटर स्टेट मूवमेंट, एक स्टेट से, अगर महाराष्ट्र और गुजरात अलग अलग दो स्टेट्स में मैंने यहाँ से कुछ वहाँ मूव किए हैं, तो जो टैक्स लगेगा वो लगेगा आईजीएसटी. एंड देन केम द जीएसटी कंपनसेशन सेस. अब इन दोनों की हम थोड़ी सी स्टोरी सुनते हैं, आईजीएसटी और जीएसटी कंपनसेशन सेस की. मेजर मूव हुआ है फ्रेंड्स, मेजर मूव. इंडिया में सीएसटी के टाइम जो टैक्सेशन सिस्टम था वो था ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम. आई रिपीट, ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम. वी हैव मूव फ्रॉम ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम टू कंजम्पशन बेस्ड और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम. हम कंजम्पशन बेस्ड या डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम पे मूव हो गए हैं. तो उसका मतलब क्या, तो हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. मतलब पहले जब सीएसटी था उस टाइम पे महाराष्ट्र का ट्रेडर एक गुड सप्लाई कर रहा है राजस्थान के ट्रेडर बी को, महाराष्ट्र का ट्रेडर एक गुड सप्लाई कर रहा है राजस्थान के ट्रेडर बी को, तो वो टैक्स कौन सा लगाता था? सीएसटी. अब वो सीएसटी जो लगाता था वो कौन से गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता था? बस वो होता था महाराष्ट्र गवर्नमेंट का रेवेन्यू. क्यों? क्योंकि टैक्सेशन सिस्टम था ओरिजिन बेस्ड, जहां से गुड्स का ओरिजिन हो रहा है उस गवर्नमेंट का रेवेन्यू होगा. अब जीएसटी में अगर महाराष्ट्र का ट्रेडर एक गुड्स भेज रहा है राजस्थान के ट्रेडर बी को, तो वो टैक्स लगाएगा क्या? आईजीएसटी. एंड आईजीएसटी इज कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, बट इट इज अपोर्शन टू स्टेट. कौन सा स्टेट? जहां पे गुड्स कंज्यूम हो रहा है, मतलब राजस्थान, जहाँ पे गुड्स का डेस्टिनेशन है, जहाँ गुड्स फाइनली कंज्यूम हो रहा है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, मतलब कि किसको मिलेगा? राजस्थान गवर्नमेंट को. तो आईजीएसटी का जो रेवेन्यू है, ट्रेडर ए तो बॉस लगाएगा जो आईजीएसटी और पे करेगा गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी
और वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी सेंटर और स्टेट के बीच में क्या रेशो डिसाइड हुआ है 50-50, 50-50, ठीक है। अब इसमें एक बात ये आती है कि अब जीएसटी कंपनसेशन सेस क्या है। जीएसटी कंपनसेशन सेस फ्रेंड्स इसके लिए आया क्योंकि जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के महाराष्ट्र थी वहाँ के सेलर स्टेट तो टेंशन में आ गए, यार अभी तक तो सीएसटी का रेवेन्यू हमको मिलता था, अभी आईजीएसटी का रेवेन्यू तो डेस्टिनेशन बेस्ड स्टेट को आ गया, तो जीएसटी आने के कारण हमको लॉस हो गया। तो उनके लिए गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं आप टेंशन मत लो, हम एक जीएसटी कंपनसेशन सेस इंट्रोड्यूस करते हैं लग्जूरियस आइटम पे और सिन गुड्स पे, तो जो भी रेवेन्यू उससे आएगा वो उन सेलर स्टेट को कंपनसेट करेंगे जिनको जीएसटी आने से लॉस हुआ है, जिनको जीएसटी आने से लॉस हुआ है, दैट्स व्हाई जीएसटी कंपनसेशन सेस आया, ठीक है। ये तो हमारे 5 एक्ट्स हुए जो जीएसटी आने पे आया, सीजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट, यूटीजीएसटी एक्ट एंड जीएसटी कंपनसेशन सेस। तो जीएसटी फिर एक ऐसा टैक्स आया जो कि कंटिन्यूस फ्लो ऑफ ट्रेड क्रेडिट देता है और अल्टीमेट बर्डन आता है फाइनल कंज्यूमर पे, और कंपैरेटिवली देर आर ईज इन कंप्लायंस प्रोसीजर। पहले आप सोचो ना 29 स्टेट्स के 29 वैट लॉ, 29 टैक्सेस, 29 रिटर्न्स, 29 अलग अलग कंप्लायंसेस, जीएसटी में एटलीस्ट इतना तो है आपकी एक ही वेबसाइट है www.gst.gov.in, आपको सारी कंप्लायंसेस वहीं पर करना है, देर इज ईजी हो गया है कंप्लायंस करना, बहुत ईजी हो गया है, हर एक स्टेट वाइज चीज़ें वेरी नहीं कर रही है। सीजीएसटी एक्ट में जो नोटिफिकेशन आता है सिमिलर नोटिफिकेशन एसजीएसटी एक्ट में 29 स्टेट्स में सेम डे में आता है फ्रेंड, हाई लेवल ऑफ हार्मोनी हैज बीन मेंटेन, हार्मोनाइज लॉ प्रोसीजर रेट ऑफ टैक्स है, रेट ऑफ टैक्स अगर मोबाइल पे गुजरात में कुछ है तो पूरे इंडिया में कुछ है, सारे गुड्स एंड सर्विसेज सिमिलर रेट ऑफ टैक्स है, सिमिलर लॉ, सिमिलर प्रोसीजर, सारी चीजें बहुत सिमिलरली मेंटेन की, सब कुछ ऑनलाइन पोर्टल से है, बहुत ट्रांसपेरेंट है। तो जीएसटी इस तरीके से इंडिया में आया। अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत ही क्रिस्प क्लियर एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच हमारी चलेगी, कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स हम सबसे पहले देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स में भी हम देखेंगे कि भाई मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स क्या हुए जीएसटी आने के कारण, जीएसटी आने के कारण मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स क्या हुए। तो आपको ये याद ही होगा तीन लिस्ट हुआ करती थी, फर्स्ट यूनियन लिस्ट आर्टिकल 246 याद है आपको, बहुत बार पढ़ा होगा आपने, आर्टिकल 246 में तीन लिस्ट हुआ करती थी, फर्स्ट यूनियन लिस्ट, इस लिस्ट में वो मैटर्स होते थे जिसमें पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव राइट था लॉ बनाने का, यूनियन गवर्नमेंट पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव राइट होता था लॉ बनाने का। स्टेट लिस्ट में वो मैटर होते थे जिसमें हर एक स्टेट को राइट होता था लॉ बनाने का, और कॉन्करेंट लिस्ट में वो मैटर होते थे जिसमें पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट दोनों के लॉ बनाने का पावर होता था, ठीक है। ये तीन लिस्ट हुआ करती थी, बट बेटा जीएसटी आने के कारण ये तीनों लिस्ट फेल हो गई, ये तीनों लिस्ट फेल हो गई और नया आर्टिकल इंट्रोड्यूस करना पड़ा, ये आर्टिकल 246 फेल हो गया और नया आर्टिकल इंट्रोड्यूस करना पड़ा आर्टिकल 246 से। अब ये फेल क्यों हुआ, आर्टिकल लिस्ट फेल नहीं हुई, आर्टिकल फेल हुआ, आर्टिकल फेल क्यों हुआ, आर्टिकल फेल इसके लिए हुआ क्योंकि भाई यूनियन लिस्ट में तो सिर्फ पार्लियामेंट बना सकती है लॉ, स्टेट लिस्ट में सिर्फ स्टेट लॉ बना सकता है, कॉन्करेंट लिस्ट में पार्लियामेंट प्लस स्टेट दोनों बना सकती है, बट इसमें जो मैटर्स होते हैं वो टैक्स से रिलेटेड नहीं होते, वो एजुकेशन मिनिस्ट्री इन सब से रिलेटेड मैटर्स होते हैं। तो आपको पता है हमने अभी डिस्कस किया जीएसटी के लिए दोनों गवर्नमेंट को, आई रिपीट, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों को साथ में आके टैक्स लगाना था, बट ऐसी कोई लिस्ट ही नहीं है जो दोनों को साथ में टैक्स लगाने का पावर दे। इसके लिए आर्टिकल 246A इंट्रोड्यूस हुआ अमेंडमेंट ड्यू टू जीएसटी, उसमें ऐसा बोला कि ठीक है भाई पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट हैव द पावर टू मेक लॉ विथ रिस्पेक्ट टू जीएसटी इम्पोज्ड बाय यूनियन और स्टेट, एंड पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है टू मेक लॉ विथ रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विसेज व्हेन द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज टेक्स प्लेस इन केस ऑफ इंटरस्टेट। इंटर स्टेट के केस में किसको पावर दिया, पार्लियामेंट को, और इंट्रा स्टेट के केस में दोनों को पावर दिया। देन 269A एक और आर्टिकल आया, 246A के ए आया, फिर एक 269A आया, उसमें स्टेट गवर्नमेंट ने लिखवा के लिया कि भाई जो भी आईजीएसटी का रेवेन्यू आएगा वो हम लोग अपोर्शन करेंगे जो भी डिसाइड होगा उसके बेसिस पे, ठीक है। उसके बाद एक एंट्री में अमेंडमेंट हुआ एंट्री 84 और एक एंट्री में अमेंडमेंट हुआ एंट्री 54। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका इफेक्ट आपको बहुत सारी जगह समझ में आएगा, लेवी सेक्शन में एंड एवरीवेयर। तो एंट्री 84 में क्या अमेंडमेंट हुआ, उन्होंने बोला
स्टेट टेंशन में आ गए, जीएसटी आ रहा था, तो स्टेट ने बोला यार अगर जीएसटी से रेवेन्यू नहीं हुआ, लॉस हो गया, तो पहले तो वैट का अच्छा खासा रेवेन्यू आ रहा था, तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं कुछ आइटम्स हैं उसमें हमको नहीं आना, हमको हमको जीएसटी में मर्ज नहीं करना, नहीं तो हम जीएसटी नहीं लेके आएंगे। तो फिर ये कुछ आइटम्स थे जिससे स्टेट को बहुत रेवेन्यू आ रहा था, वो सब उन्होंने जीएसटी में आने ही नहीं दिया। तो उन आइटम्स पे अभी भी एक्साइज लगता है मैन्युफैक्चरिंग स्टेट पे, और सेल स्टेज पे अभी भी वैट या सीएसटी लगता है। आई रिपीट, जो आइटम्स जीएसटी में नहीं आए हैं उन आइटम पे आज भी मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज है, मतलब एक्साइज ड्यूटी आज भी एग्जिस्ट करती है, चली नहीं गई है, और उनके सेल पे आज भी वैट या सीएसटी है। कौन से आइटम्स है वो? तो ड्यूटीज ऑफ एक्साइज ऑन द फॉलोइंग प्रोडक्ट, फॉलोइंग पे है अभी एक्साइज: पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन एंड टोबैको। ये इंपॉर्टेंट है, हम डिस्कस करेंगे। ये आइटम्स पे पेट्रोलियम, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन और टोबैको, इन आइटम्स पे आज भी मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे क्या लगेगा? एक्साइज। एंड इन आइटम के सेल पे आज भी क्या लगेगा? इन आइटम के सेल पे आज भी वैट या सीएसटी लगेगा। पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल एंड अल्कोहल, इन दोनों लिस्ट में एक ही डिफरेंस है, एक्साइज कंटिन्यूड है टोबैको पे और वैट या सीएसटी कंटिन्यूड है अल्कोहल पे। ये एक बार हम कंपैरेटिव टेबल पर डिस्कस करेंगे। अब ये जो पांच आइटम्स है, इनकी मेमोरी टेक्निक है मैन एचपी। मैन एचपी प्रोडक्ट्स या पीएचएमएनए, जो भी आपको याद रहे, पीएचएमएनए और मैन एचपी, ये आइटम्स हैं नॉन टैक्सेबल आइटम्स, ये जीएसटी में नहीं आए हैं। इन पांच आइटम्स पे आज भी मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे लगता है सेंट्रल एक्साइज और सेल पे लगता है वैट या सीएसटी। समझा आपको? आज भी इनकी मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे लगता है सेंट्रल एक्साइज और सेल पे लगता है वैट या सीएसटी। और फ्रेंड्स, अल्कोहल पे पहले भी स्टेट का एक्साइज लगता था, आज भी स्टेट का एक्साइज लगता है, अल्कोहल जीएसटी में आया ही नहीं। स्टेट गवर्नमेंट ने बोला नो, मेजर रेवेन्यू आइटम बिल्कुल भी नहीं है अल्कोहल, तो हम बिल्कुल भी जीएसटी में कंबाइन नहीं करेंगे, आज क्या कभी नहीं करेंगे। लेवी सेक्शन से ही उसको बाहर कर दिया गया, तो अल्कोहल कंप्लीटली आउटसाइड जीएसटी। उसके मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे लगता है स्टेट एक्साइज और सेल पे लगता है वैट। एंड टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स में फ्रेंड्स, टोबैको एंड टोबैको फ्रेंड्स प्रोडक्ट्स पे फ्रेंड्स, मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे लगता है सेंट्रल एक्साइज और सेल पे लगता है जीएसटी। अल्कोहल स्टेट ने लिया तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे पीछे रहती? सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला टोबैको पर शेयर हमारा, तो टोबैको पे आज भी मैन्युफैक्चरिंग पे लगेगा सेंट्रल एक्साइज और सेल पे लगेगा जीएसटी। ये पांचों आइटम्स पे सेम है, पहले एक्साइज जो लगता था सेंट्रल एक्साइज और वैट वही रहेगा। अल्कोहल पे भी सेम है कि पहले स्टेट एक्साइज लगता था और वैट लगेगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत ध्यान रखना है जीएसटी किस पे है या किस पे नहीं है। इसका रेफरेंस आपको बहुत बार आएगा, एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में आएगा आपको, आपको लेवी सेक्शन में इसका रेफरेंस आएगा, बहुत सारी जगह पे आएगा, आपके एग्जाम में ये डेफिनेटली आएगा। तो किसकी टैक्सेबिलिटी कैसे है आपको ध्यान रखना है। तो अगेन वापस हो जाए, पीएचएमएनए आइटम में एक्साइज लगेगा मैन्युफैक्चरिंग पे, सेल पे वैट या सीएसटी लगेगा। अल्कोहल पे, अल्कोहल पे लगेगा स्टेट एक्साइज मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे और सेल पे लगेगा वैट या सीएसटी। और टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट्स पे मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे लगेगा सेंट्रल एक्साइज और सेल स्टेज पे लगेगा जीएसटी। अब कंटिन्यूइंग टैक्सेस और कौन से हैं? आज ऐसा नहीं है जीएसटी आ गया तो सारे इनडायरेक्ट टैक्स खत्म हो गए। नो 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 नो, देयर आर सम इनडायरेक्ट टैक्सेस स्टिल देयर। बेसिक कस्टम ड्यूटी स्टिल देयर, प्रॉपर्टी टैक्स एंड स्टैम्प ड्यूटी अभी भी है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी अभी भी है, एक्साइज ड्यूटी ऑन अल्कोहल अभी भी है, एक्साइज ड्यूटी ऑन पीएचएमएनए आइटम्स अभी भी है। तो दीज आर द कंटिन्यूइंग टैक्सेस, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई कौन से टैक्सेस जीएसटी में सब्स्यूम हो गए हैं और कौन से टैक्सेस कंटिन्यूड है, तो आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया हमारा बेसिक्स और कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 9, लेविंग और चार्जिंग प्रोविजन। ये आपको बिल्कुल सब सेक्शंस के साथ याद होना चाहिए। आई रिपीट, ये आपको बिल्कुल सब सेक्शंस के साथ याद होना चाहिए।
फ्रेंड्स, ये जो हमने वीडियो रिलीज़ किया है, ये सारा कुछ वीडियो पार्ट्स में रिलीज़ होगा, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, आप देख सकते हैं। बहुत लिमिटेड आ रहे हैं, 30 to 40 मिनट्स का एक वीडियो रहेगा और उसमें आपको एक एक टॉपिक कवर किया हुआ है, जो सारे टॉपिक्स हमने देखे हैं। और जीएसटी का आई वुड से 70 to 80 इंपॉर्टेंट पोर्शन तो सारा कुछ कवर हो गया, जो आपके एग्जाम में मेजर पेपर आता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, द मेजर इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जो हमने फर्स्ट स्लाइड में देखे थे, वो आप किसी भी हाल में एग्जाम में छोड़ के नहीं जाएंगे। आपको कितने भी टफ लगे, हम बहुत सारी मेमोरी टेक्निक से देखेंगे, आप वीडियोस देखिए, एक बार देखिए, दो बार देखिए, आपको बिल्कुल वो टॉपिक्स छोड़ के ही नहीं जाने एग्जाम के बाद। और आपको एक बार आप देखेंगे तो ही आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स हो गया, अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा सेक्शन 9, लेवी का सेक्शन। ये सेक्शंस हम किसके पढ़ रहे हैं? सीजीएसटी एक्ट के, आई रिपीट, सीजीएसटी एक्ट के। एसजीएसटी एक्ट में सिमिलर सेक्शंस है, ठीक है। तो सेक्शन 9 क्या बोलता है? सेक्शन 9 बोलता है, भाई देयर शैल बी लेवीड अ टैक्स कॉल्ड एज सीजीएसटी। सीजीएसटी टैक्स लगेगा किस पे? ऑन ऑल इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई मतलब विद इन स्टेट सप्लाई में लगेगा टैक्स, जो रहेगा सीजीएसटी, एक्सेप्ट ऑन सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन मैंने आपको बताया, लेवी से ही आउट कर दिया, लेवी सेक्शन से ही उसको आउट कर दिया। ऑन द वैल्यू डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 15, वैल्यू कहाँ से आएगी? सेक्शन 15 के हिसाब से, एट सच रेट नॉट एक्सीडिंग 20%। रेट 20% से ज़्यादा नहीं होगा, मतलब सीजीएसटी का रेट 20%, एसजीएसटी का रेट 20%, टोटल 40%। 40% से ज़्यादा बॉस गवर्नमेंट को पावर नहीं है आईजीएसटी का रेट अभी बढ़ाने की, अनटिल एंड अनलेस दे अमेंड दिस सेक्शन 9, ठीक है। तो सीजीएसटी का सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 क्या बोलता है? टैक्स लगेगा सीजीएसटी किस पे? इंटरेस्ट रेट सप्लाई पे ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट एल्कोहल। वैल्यू सेक्शन 15 से डिटरमाइन होगी और रेट 20%। सीजीएसटी इंटरेस्ट स्टेट सप्लाई, एल्कोहल पे नहीं लगेगा, वैल्यू सेक्शन 15 से डिटरमाइन होगी और रेट 20% से ज़्यादा नहीं होगा। ये हो गया सेक्शन 9 सबसेक्शन 2, और ये हो गया 9 सबसेक्शन 1। अब 9 सबसेक्शन 2 हम पढ़ेंगे। 9 सबसेक्शन 2 में वही है हमारे पीएचएमएनए आइटम्स या मैन एचपी आइटम्स। उसके लिए उन्होंने क्या बोला? उसके लिए उन्होंने बोला कि भाई द सेंट्रल टैक्स ऑन दीज 5 आइटम्स शैल बी लेवीड फ्रॉम अ नोटिफाइड डेट। कि भाई इस पर टैक्स नोटिफाइड डेट से लगाएंगे, अभी नहीं लगा रहे, 2 साल 3 साल 5 साल, जब गवर्नमेंट को कंफर्ट आ जाएगा कि भाई जीएसटी से प्रॉपर रेवेन्यू आ रहा है, उस दिन वो इसको मर्ज कर देंगे, ठीक है। तो सेक्शन 9 सबसेक्शन 2, ये नॉन टैक्सेबल आइटम है, आई रिपीट, ये आपको याद रखना है, ये नॉन टैक्सेबल आइटम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी जो बेसिक्स है ना, बेसिक्स बहुत क्लियर रहे ना, तो आपको आगे जाके बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं तो आपको बहुत मुश्किल होने वाला है। आपका बेसिक्स बहुत क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके नॉन टैक्सेबल आइटम्स हैं सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 में। अब सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 क्या बोलता है? सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 बोलता है कि गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर सकती है ऐसे कैटेगरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दोनों गुड्स और सर्विसेज गवर्नमेंट बताएगी, जिसपे रिवर्स चार्ज लगेगा, और रिवर्स चार्ज में लाइबिलिटी किसकी होती है? रिसिपियंट की। देखो मैं आपको जनरली बताती हूँ, अगर मैंने ये मोबाइल आपको सप्लाई किया, आई एम अ सप्लायर ऑफ सर्विस, रिसिपियंट ऑफ सर्विस है, तो मैंने आपको मोबाइल दिया, आपसे पैसे लिए, जीएसटी लिया, गवर्नमेंट को दे दूंगी, ये कौन सा होता है? फॉरवर्ड चार्ज या फॉरवर्ड चार्ज या नॉर्मल चार्ज। बट गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे गुड्स स्पेसिफाई किए और कुछ ऐसी सर्विसेज स्पेसिफाई करी है जिसमें रिवर्स चार्ज लगेगा, मतलब टैक्स विल बी पेड बाय द रिसिपियंट नॉट द सप्लायर। सप्लायर पे नहीं करेगा, रिसिपियंट पे करेगा, जैसे उन्होंने कैशियम नट्स को किया है कि कैशियम नट्स के केस में एग्रीकल्चरिस्ट के थ्रू ले रहा है कोई, तो रिसीवर जो ले रहा है वो रिवर्स चार्ज पे करेगा। ऐसे उन्होंने सर्विसेज भी स्पेसिफाई की है, जैसे लॉयर की, तो उन्होंने रिवर्स चार्ज में क्या बोला है कि भाई रिवर्स चार्ज के केस में सप्लायर नहीं, रिसीवर रिवर्स चार्ज पे करेगा। ऐसे उन्होंने गुड्स और सर्विसेज दोनों भी नोटिफाई किए हैं। सर्विस टैक्स के टाइम सिर्फ सर्विसेज के लिए होता था, जीएसटी में गुड्स और सर्विसेज दोनों में आया है। तो जब भी गुड्स और सर्विसेज रजिस्टर्ड पर्सन लेगा, नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज, तो उस केस में रिसिपियंट की लाइबिलिटी रहेगी कि भाई वो टैक्स पे करे, वो सारे कंप्लाइंसेस करे उसका, ठीक है। तो रिसिपियंट रिवर्स चार्ज पे करेगा गुड्स और सर्विसेज का, ये हम डिटेल में देखेंगे कि कौन से गुड्स और सर्विसेज रिवर्स चार्ज में है।
Then the central tax in respect of supply of goods or services or both by supplier who is not registered to a registered person shall be paid by recipient. ये क्या है? Unregistered से registered ने खरीदा. I repeat, unregistered से registered ने खरीदा तो liability किसकी है? Registered person की. But ये provision अभी postponed है. ये अभी enforced नहीं है. ये provision postponed किए गए हैं. But ये provision enforced थे. कब तक थे ये? 13th October 2017 तक. 1st July 17 में जब GST आया, उसके बाद ये provision आया. 13th October तक ये provision रहा. आपके exam में अगर कोई problem आता है और 13th October के पहले की date है और unregistered से purchase दिया है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 5000 की limit थी. अगर एक दिन में registered person ने सारे registered suppliers से मिला के 5000 से ज़्यादा का goods खरीदा है, तो उसकी liability आती है reverse charge में tax pay करने की. 5000 से कम इन अ डे है फ्रॉम ऑल द सप्लायर तो कोई लायबिलिटी नहीं. बहुत कम चांसेस हैं कि ये आपके एग्जाम में आए, क्योंकि ये प्रोविजंस अभी पोस्टपोन्ड है, क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी में बहुत प्रॉब्लम होने शुरू हो गई थी. तो ये 9 सबसेक्शन 3 जो है नोटिफाइड रिवर्स चार्ज के लिए, 9 सबसेक्शन 4 अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड के केस में रिवर्स चार्ज के लिए है. देन 9 सबसेक्शन 5, 9 सबसेक्शन 5 किसके लिए है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ECO को गवर्नमेंट ने बहुत इंपॉर्टेंस दी है GST में, बहुत, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर से हो रहा है. तो 9 सबसेक्शन 5 में गवर्नमेंट ने बोला कि हम नोटिफिकेशन से स्पेसिफाई करेंगे कैटेगरी ऑफ सप्लाई जिसपे ECO टैक्स पे करेगा, अगर सर्विसेज उसके थ्रू सप्लाई हुई है तो. अगर ECO बोलता है कि भाई मैं तो नहीं हूँ, इंडिया में नहीं हूँ, ECO डू नॉट हैव द फिजिकल प्रेजेंस इन टैक्सेबल टेरिटरी, तो उसका कोई भी रिप्रेजेंटेटिव करेगा. अगर रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो भाई अपॉइंट करो रिप्रेजेंटेटिव. If he do not have a representative, then he has to appoint one. तो गवर्नमेंट ने 3 केसेस बताए, हम एग्जाम्पल्स के थ्रू देखेंगे, 3 केसेस बताए हैं जिसमें ECO की लाइबिलिटी है टैक्स पे करने की. ठीक है, फर्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब और मोटरसाइकिल. गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर हो रहा है मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल से, उस केस में लाइबिलिटी ECO की है अगर सर्विसेज उसके प्लेटफॉर्म से प्रोवाइड की गई है तो. एग्जाम्पल के लिए सरदार जी हैं सर्विस प्रोवाइडर, ओला की गाड़ी चला रहे हैं, ओला है ECO एंड आई एम अ सर्विस रिसिपिएंट, मैंने ओला बुक करी है, मैं सर्विस रिसिपिएंट हूँ. एक्चुअल सर्विस प्रोवाइडर कौन है? सरदार जी गाड़ी चला रहे हैं यार, सरदार जी एक्चुअल सर्विस प्रोवाइडर, बट ओला ECO है, ECO के प्लेटफॉर्म से वो सर्विस प्रोवाइड की गई है, दैट सर्विसेज आर सप्लाइड थ्रू इट इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स प्लेटफॉर्म से, तो उस केस में बेटा लाइबिलिटी किसकी होगी? लाइबिलिटी होगी ECO की, नॉट द एक्चुअल सर्विस प्रोवाइडर. टैक्स पे करने की लाइबिलिटी किसकी होगी? टैक्स पे करने की लाइबिलिटी होगी ECO की, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर मतलब ओला की. तो ये फर्स्ट सर्विस उन्होंने नोटिफाई करी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की, चाहे वो रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, किसी से भी हो. सेकेंड, प्रोवाइडिंग अकोमोडेशन इन होटल, इन गेस्ट हाउस, क्लब, कैंपेजिट और अदर कमर्शियल प्लेस मेंट फॉर रेसिडेंशियल और लॉजिंग पर्पस एक्सेप्ट रजिस्टर्ड पर्सन. अब ये क्या चीज़ है? अब ये ऐसी चीज़ है कि भाई अगर मैं अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रही हूँ, मेरा मेक माई ट्रिप का एग्जाम्पल लेते हैं, अकोमोडेशन सर्विस फॉर रेसिडेंशियल एंड लॉजिंग पर्पस, इतना याद रखना. मेक माई ट्रिप के प्लेटफॉर्म पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक है गोपी होटल. ठीक है, गोपी होटल एक बहुत छोटा सा होटल है, उसके रजिस्टर्ड नहीं है वो GST में, बहुत छोटा सा होटल है. तो उसने क्या किया है, उसने अपना होटल का जाल दिया है मेक माई ट्रिप पे, मेक माई ट्रिप से मैंने बुक किया होटल. तो अब इस केस में गोपी होटल GST में रजिस्टर्ड नहीं है, मेक माई ट्रिप ECO है एंड आई एम द सर्विस रिसीवर. एक्चुअल सर्विस प्रोवाइडर चाहे गोपी होटल हो, बट क्योंकि सर्विसेज ECO से सप्लाई हुई है मेक माई ट्रिप से, तो इस केस में मेक माई ट्रिप जो रहेगा उसकी लायबिलिटी रहेगी, मेक माई ट्रिप की लायबिलिटी रहेगी कि वो इस पे GST डिस्चार्ज करे, उस पे GST की लेवी होगी. बट अगर ये गोपी होटल नहीं है, समझ लो सन एंड सैंड है, जो कि GST में रजिस्टर्ड पर्सन है. गोपी अनरजिस्टर्ड अंडर GST था, सन एंड सैंड रजिस्टर्ड है GST में. तो इन्होंने क्या बोला कि भाई अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो फिर तो होटल ही करेगा. तो समझ लो सन एंड सैंड भी लिस्टेड है मेक माई ट्रिप में और मैंने सन एंड सैंड बुक किया,
तो इस केस में जीएसटी पे करने की लायबिलिटी सन एंड सैंड की है इस पर्टिकुलर सर्विस की, नॉट द ईसीयू। मेक माई ट्रिप की लायबिलिटी नहीं है, क्यों? क्योंकि दैट इज अ रजिस्टर्ड वन। तो यहाँ पे प्रोवाइडिंग अकोमोडेशन इन होटल गेस्ट हाउस फॉर रेजिडेंशियल एक्सेप्ट रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन है तो उसकी खुद की लायबिलिटी है, अगर रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है तो ईसीओ की लायबिलिटी आती है, ठीक है। थर्ड, हाउसकीपिंग सर्विसेज सच एज प्लम्बिंग कारपेंटरिंग एक्सेप्ट रजिस्टर्ड पर्सन, सिमिलर टू दिस वन, सिमिलर है ये सेकेंड एंड थर्ड। तो हाउसकीपिंग सर्विस में भी ऐसे ही है, अगर कोई छोटी सी हाउसकीपिंग सर्विस है जिन्होंने अपना कुछ भी रजिस्ट्रेशन नहीं लेके रखा है और कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ईसीओ जो है उसकी लायबिलिटी रहेगी। और अगर कोई बड़ी हाउसकीपिंग एजेंसी है जो कि रजिस्टर्ड है, तो उस केस में जो हाउसकीपिंग एजेंसी है उसकी खुद की लायबिलिटी रहेगी टैक्स पे करने की, उस पर ही लेवी रहेगी सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के हिसाब से, ठीक है। तो ये था सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 और सेक्शन 9 हमने पूरा पढ़ा। एक बार क्विकली रिवाइज करेंगे सेक्शन 9 में क्या क्या है। सेक्शन 9 सबसेक्शन 1, CGST on interstate supply of goods and services except alcohol on value under section 15 at a rate not exceeding 20%, section 9 subsection 1. Section 9 subsection 2, PHMNA और MAN HP items पे GST आएगा, notified dates है, वो अभी के लिए है non-taxable supply. Section 9 subsection 3, 9 subsection 3 क्या बोलता है, reverse charge on goods and services recipient पे करेगा, उसकी liability रहेगी as if he is the person providing services. 9 subsection 4, URD to RD में RD की liability रहेगी, but ये provisions अभी postponed है. 9 subsection 5, ECO के केस में 3 ECO उन्होंने notify किए, फर्स्ट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय रेडियो टैक्सी मोटर कैब रहेगा तो ईसीओ की लाइबिलिटी, सेकेंड अकोमोडेशन रेसिडेंशियल और लॉजिंग पर्पज के लिए दे रहे हैं तो रजिस्टर्ड पर्सन है तो होटल की लाइबिलिटी, और अनरजिस्टर्ड होटल है तो ईसीओ की लाइबिलिटी। थर्ड, हाउसकीपिंग सर्विसेज में भी सिमिलर है, रजिस्टर्ड हाउसकीपिंग वाला है तो हाउसकीपिंग वाले की लाइबिलिटी है, बट अगर अनरजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है तो लाइबिलिटी ईसीओ की है। तो ये हो गए सेक्शन 9 लेवी का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था और हमने बहुत डिटेल में देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सप्लाई करेंगे एंड देन उसके बाद सारे आपको लिंक्स में पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 सारे वीडियोस मिल जाएंगे, 30-30 मिनट्स के वीडियो और सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हमने उसमें कवर किए हैं। स्टार्टिंग में आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम शुरू में थोड़ा स्लो चले, बट नाउ वी आर गोइंग टू टेक अप अ मोर स्पीड, ठीक है। तो अभी तक के लिए थैंक यू। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे सप्लाई, कंसेप्ट ऑफ सप्लाई। थैंक यू।